बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो इस टाइम हम मौजूद हैं मालोटॉन के ग्राउंड में और आज हमारे साथ पैरागॉन क्रिकेट एकेडमी के कोच आसिफ अजीज़ हमारे साथ हैं और आज हम थोड़ी सी इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। आसिफ भाई, इस टूर्नामेंट के मतलब आज थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ये कैसा लग रहा है आपको इस टूर्नामेंट में, और आज आपकी टीम इस टूर्नामेंट का पहला मैच खेल रही है, तो बड़े एक्साइटेड थे आपके बच्चे और बड़ा जोश देखा है मैंने आज उनमें जो है ना इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए। नहीं जी, जुवेद साहब, ये बड़ा ज़बरदस्त है कि अंडर 13 का प्लेटफॉर्म बच्चों को यहाँ पे मिला है, क्योंकि पिछले 2 साल से तकरीबन सस्पेंड है अंडर 13 की क्रिकेट जो PCB करवा रहा था। और ये अच्छी बात है कि ये प्राइवेट सेक्टर में किसी ने ये इतनी हिम्मत की है कि इसको करवाया, क्योंकि ये मोस्ट नेगलेक्टेड क्रिकेट थी जो बच्चों की थी अंडर 13। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाते हुए जितने भी बच्चे अंडर 13 लेवल के, उनको जब ये प्रेशर वाली क्रिकेट मिलेगी, एक टूर्नामेंट आपने जिस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने YouTube के ऊपर भी इसको लाइव चलाया है, डिजिटल स्कोरिंग आपने इसको लाइव स्कोरिंग है इसकी, तो उससे बच्चों में बड़ा मैं देख रहा हूँ कि जोश और जज्बा है और वो बड़ा विलिंग है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए और इसमें अच्छा करने के लिए और अपने आप को जो है हाईलाइट करने के लिए। ये आपका बहुत अच्छा इकदाम है। आसिफ भाई, इस टूर्नामेंट के बाद अंडर 15 टूर्नामेंट होने जा रहा है, तो आप बताएं कि उस टूर्नामेंट के मतलब और कैसे आप उस टूर्नामेंट का हिस्सा होंगे, और ये हमारा प्लान है इंशाल्लाह फ्यूचर में हम जो है अंडर 13, अंडर 15 और अंडर 17 के टूर्नामेंट करवाएंगे, क्योंकि इन्हीं टूर्नामेंट से ये जो बच्चे हैं ये बेस है क्रिकेट की, और इन्हीं टूर्नामेंट में वो खेल के आगे जो है ना कॉन्फिडेंस में बड़ी टीम में खेला करेंगे। जी ज़रूर, जो ग्रास रूट की क्रिकेट है जैसे अंडर 13 है, अंडर 16 है, इसमें तो पार्टिसिपेट ज़रूर हम भी करेंगे और मैं उम्मीद रखता हूँ कि सबको करना चाहिए। और इसमें बहुत अहम रोल है ऑर्गेनाइजर्स का, बहुत अहम रोल है स्पॉन्सर्स का, कि जो हमारी सिविल सोसाइटी है इसको अब बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए और इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, ताकि ये इन्वेस्टमेंट जो ग्रास रूट पर होगी वो कल को जाके पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करेंगे, एक अच्छे प्लेयर बनेंगे। और ये बड़ा ज़बरदस्त है जुवेद साहब के ये अंडर 13 या अंडर 16 और आप ये करवा रहे हैं मॉडल टाउन नवाब ग्राउंड में, और ये एक हिस्टोरिक ग्राउंड है, पाकिस्तान का मोस्टली लीड प्लेयर यहाँ से खेल के गए हैं। और मैं आपके साथ साथ नवाब मंसूर हयात खान साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनकी ये मेहनत है बरसात के मौसम में उन्होंने ये करवाया। मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम उनको ग्राउंड में भीगते हुए देखा है, पिच के ऊपर कवर डालते हुए देखा है उनको, और बच्चों के साथ बच्चा बने हुए थे बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनका जो लव है आज तक अब तक वो क्रिकेट के साथ कितना ज़्यादा है वो। तो आई होप कि ये इंशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहेगा जी। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, थैंक यू।